नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंपई सोरेन की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन की बीजेपी में जाने की अटकलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में चंपई सोरेन, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चंपई बोले, जहां पहले था अभी वही हूं, निजी काम से दिल्ली आया हूं। चंपई की बीजेपी में जाने की अटकलों पर जेएमएम बोली, बीजेपी डूबता जहाज है, चंपई सोरेन वहां नहीं जाएंगे। चंपई क्रांतिकारी हैं, कहीं नहीं जाएंगे। चंपई सोरेन को लेकर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है, कहा चंपई सोरेन जेएमएम के वफादार नेता हैं। कांग्रेस मोदी सरकार पर, आपको बता दें, संजय राउत का निशाना है। हेमंत सोरेन को फिर परेशान करने की साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है, राउत का बयान आया है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए चंपई सोरेन ने कहा, मैं यहां अपने निजी काम से आया हूं। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, अभी मैं यहां पर हूं वही हूं। आपको बता दें, चंपई सोरेन ने कहा, मैं जहां पर हूं वही हूं। जब मीडिया ने चंपई सोरेन से सवाल किए तो उन्होंने कहा, आप लोग जैसे हमको सवाल करते हैं उसमें हम क्या कहेंगे, हमने बोल दिया कि हम यहां निजी काम के लिए आए हैं और हम जहां पर हैं वहीं पर हैं। क्या कोलकाता में आपकी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई? इस सवाल का जवाब देते हुए चंपई सोरेन ने कहा, हमारी कोलकाता में किसी से मुलाकात नहीं हुई है, मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं, बाद में आप लोगों को बताएंगे। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि झारखंड से जो खबरें आ रही हैं, आप देखिए वहां क्या हो रहा है, वहां हेमंत सोरेन को फिर एक बार तकलीफ में लाने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, वहां से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहां पर हैं वहीं पर हैं। चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी या नहीं? हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चलिए, वहाँ हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है वहाँ। आज ही मैंने खबर यहाँ ही पढ़ी है। इसलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता। महाराष्ट्र में भी जो लोग बैठे हैं, ये त्रिकूट, उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए। इसलिए ये नहीं हो रहा है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो आप चार स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते हो ना। और इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम हेमंत सोरेन ने इशारों में बीजेपी चंपई सोरेन पर निशाना साधा। घर और पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है, हेमंत सोरेन का बयान। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम हेमंत सोरेन ने इशारों में बीजेपी चंपई सोरेन पर निशाना साधा है। घर और पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है, हेमंत सोरेन का बयान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन ने इशारों में बीजेपी चंपई सोरेन पर निशाना साधा। घर और पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है, हेमंत सोरेन का बयान आया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इशारों में बीजेपी चंपई सोरेन पर निशाना साधा है। आपको बता दें, घर और पैसे को पार्टी के दम पर तोड़ा जा रहा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हम आपको बता दें, हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है।
सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना। सीएम हेमंत सोरेन ने इशारों में बीजेपी और चंपई सोरेन पर निशाना साधा। और इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रांची से अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, जिस तरह चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती जा रही हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पे? अजय, देखिए मैं बताऊं कि यहां झारखंड में हमेशा चर्चाएं जो है, राजनीतिक चर्चाएं हमेशा गर्म रहती है, कयासों का बाजार हमेशा लगा रहता है। इधर कुछ दिनों से राजनीतिक जो अस्थिरता है झारखंड में, जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, और हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं जो है होती रहती हैं, और जो कयास के जो बाजार है वो लगते रहते हैं। इधर कुछ दिनों से इधर जब हेमंत जब लोविन हेमरम जब कुछ दिन पहले जब दिल्ली गए थे और भाजपा के कुछ नेताओं से जाकर वहां मिले, तब ये बाजार ये लगने लगा था। और वहां से लौटने के बाद लोविन हेमरम जो है सीधे चंपई सोरेन से उनके आवास पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, और तब ये कयास लगने लगता है कि शायद कुछ फिर से झारखंड की राजनीति में कुछ उलटफेर होने वाली है। इधर जब इनसे पूछा गया था, चंपई सोरेन से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे वैसे ही कोई कुछ पर्सनल काम के चलते या कुछ ये हमसे मिलने के लिए आए थे। इधर तब उन्होंने कहा कि मैं अपने जो है सो अब मैं अपने क्षेत्र लौट रहा हूँ, टाटा जा रहा हूँ, क्षेत्र जा रहा हूँ। लेकिन फिर से जब चर्चा में आई या बात निकली, तो टाटा से वो फिर वो सीधे उसी रास्ते, टाटा के रास्ते होते हुए वो कलकत्ता पहुँचते हैं, और जब कलकत्ता पहुँचते हैं तो वहाँ भी शायद ये कयास लगाया जा रहा था, या स्पष्ट सूत्र बता रहे थे कि वो वहाँ जो है बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती है, और वहां से मुलाकात उनसे होती है। हालांकि उन्होंने उस पर उन्होंने हामी नहीं भरी। वहां के पत्रकारों ने भी जब उनसे पूछा कि क्या आप यहां बीजेपी के कुछ नेता से या सुभेदी अधिकारी से आप मिले, तो वहां भी शायद वहां से वो उन्होंने नहीं कहा, और सीधे वहां से वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाने के बाद भी और वहां उन्होंने कहा कि मैं वहां निजी काम जाए हूँ। एक गौरतलब ये भी बात है कि उनकी जो गाड़ी है, उनकी गाड़ी पर जो एमएम का झंडा था वो झंडा लगा रखा जा रहा है। दूसरी तरफ उनका जो गांव है वहां भी झंडा अस्पष्ट सूत्र बताते हैं ऐसी इसकी जी कोई जी बिल्कुल अजय बिल्कुल। अगली खबर की तमाम जानकारी के लिए हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती जा रही हैं, क्या चंपई सोरेन के बीजेपी में बड़ी नेताओं के साथ संपर्क दिख रहे हैं? देखिए, ये जो चंपई सोरेन वाला मामला है ये काफी दिनों से ये पाइपलाइन में था, और आज ऐसी बताया जा रहा है कि आज बीजेपी के बड़े नेताओं से चंपई सोरेन मिलेंगे और बीजेपी में शामिल होने के उनके ऐलान हो जाएगा। भले से ही चंपई सोरेन ये कहते रहे कि वो निजी काम से आए हैं, पहले वो कोलकाता जाते हैं, कोलकाता से वो दिल्ली आते हैं, और ये नई बात नहीं है। जब इनको हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से, जब सोरेन बाहर आए और तत्काल उन्हें हटा दिया गया, तो तभी ये माना जा रहा था कि चंपई सोरेन थोड़े से नाराज हैं। और ये जैसा भी अजय जी बता रहे थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी से जेएमएम का झंडा उतार दिया है, उनके घर जो है वहां भी झंडा नहीं लगा हुआ है, तो ये इस पर संकेत है। दूसरी चीज ये है कि चंपई सोरेन जिस इलाके से आते हैं वहां उन्हें उस क्षेत्र का टाइगर कहा जाता है, और उनका 14 विधानसभा क्षेत्रों पर स्पष्ट उनका असर है, और चंपई सोरेन को बीजेपी बहुत दिनों से अपने पाले में करने के लिए कोशिश कर रही थी। इसमें हेमंत विश्व शर्मा भी लगे हुए थे, इसमें आपके शिवराज सिंह भी लगे हुए थे, और इसमें पीछे से अमित शाह भी लगे हुए थे। तो अब मुझे लगता है कि ये बीजेपी के हाथ एक बड़ी चीज लग रही है, और अगर
ये वास्तव में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो बीजेपी को एक वहां माइलेज मिलेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धक्का मिलेगा। केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, जो इनका इंडे अलायंस है उसको भी धक्का लगेगा। इसी बीच में आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि जो कोलकाता का रेप मर्डर केस है जूनियर डॉक्टर का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट उस केस को अब उस केस की सुनवाई मंगलवार को करेगा। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, हालांकि ये विषयांतर है लेकिन चूंकि ये इस समय बड़ी खबर आई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोलकाता का डॉक्टर रेप मर्डर केस है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस पर सुनवाई करेगा। खैर प्रीति, हम वापस लौट के आती हैं झारखंड पर और ये झारखंड में जो उठापटक हो रही है इसको लेकर के पहले से ही चंपई सोरेन ने कुछ नहीं कहा हो लेकिन हेमंत सोरेन ने इसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। उनका बयान आया है कि बीजेपी पैसे के बल पर उनके घर और पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं बचा है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं, हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई। जी प्रीति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। इसी के साथ आपको बता दें और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। यूपीएससी में लेटरल एंट्री से भड़के राहुल गांधी, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। आपको बता दें यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं। खुलेआम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है, राहुल गांधी का बड़ा बयान। यूपीएससी की जगह आरएसएस से हो रही है भर्ती। राहुल गांधी ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर एक्स पर लंबा पोस्ट डाला। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी में लेटरल एंट्री से राहुल गांधी भड़क चुके हैं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। यूपीएससी में लेटरल एंट्री कर पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं। खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है, राहुल गांधी का पीएम पर आरोप। यूपीएससी की जगह आरएसएस से हो रही है भर्ती। राहुल गांधी ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर एक्स पर लंबा पोस्ट डाला। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव शर्मा हमारे इनपुट हेड जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? राहुल गांधी कह रहे हैं कि खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है यूपीएससी की लेटरल एंट्री। देखिए ये विपक्ष की दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, विपक्ष को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि उनको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं इसको। हम बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें देखना है कि इस समय सत्ता पक्ष क्या कर रहा है और बीजेपी क्या कर रही है, मतलब जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जो आईएएस और मतलब सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का है, 200 साल पुराना है, उसको इस तरीके से तुरंत तत्काल चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें लेटरल एंट्री की जरूरत है, इसलिए वो लेटरल अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। वही विपक्ष का बिल्कुल ठीक कहना है कि लेटरल अपॉइंटमेंट से जो आरक्षण है उस पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लेटरल एंट्री जिन लोगों की कराई जाए उसमें एससी एसटी के लोग ना हो। ये हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, ये तब देखा जाए जब लेटरल एंट्री हो और वो ना हो, एससी एसटी के लोग या रिजर्वेशन कोटा के लोग ना हो, तब ये बात कही जा सकती है। फिर भी ये विपक्ष का अपना सोचना विपक्षाधिकार है और वो उनको इसका विरोध करना ही चाहिए और सत्ता पक्ष को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि लेटरल एंट्री करने से वो यूपीएससी हो या कोई भी दूसरी जगह हो, अगर वो लेटरल एंट्री करते हैं तो उससे रिजर्वेशन को कोटे को कोई असर नहीं होगा, ये सत्ता पक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। जी प्रीति
जी आगे की तमाम खबरों पर जानकारी के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ फिलहाल बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, एससी ने कोलकाता बलात्कार मामले का संज्ञान लिया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोलकाता में लगातार डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी था, उसी बीच अब एससी ने कोलकाता बलात्कार मामले का संज्ञान लिया है। मंगलवार को सुनवाई होगी मामले में। डॉक्टरों में आक्रोश किस तरह से बना हुआ है, सब कुछ हम जानेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, एससी ने कोलकाता बलात्कार मामले का संज्ञान लिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई होगी। कोलकाता का बलात्कार मामला, एससी ने कोलकाता बलात्कार मामले का संज्ञान लिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, एससी ने कोलकाता बलात्कार मामले का संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंडेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा था, सड़कों पर प्रोटेस्ट जारी था, क्या कुछ अपडेट है कोलकाता बलात्कार मामले को लेकर? दरअसल कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के साथ रेप और उसकी न्यूट्रिशन हत्या हुई थी, उस हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। क्योंकि जो मंगलवार को जब कोर्ट खुलेगी तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि इस पर संज्ञान लिया जाए। क्योंकि इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट भी सुनवाई कर रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी और लेटर लिखा गया था सीजीआई के नाम से, उस पर ही स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सबसे पहले इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को लेटर लिखा गया था, इसमें ये कहा गया था कि एक तो जो सोशल मीडिया पे उस डॉक्टर के और उसके परिजनों के बारे में जो डिटेल्स दी गई है उनको हटाया जाए। इसके अलावा इस मामले में जो ये घटना हुई है, इस घटना की जांच कराई जाए और जो इसमें दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम चीजें थी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। हालांकि अब बड़ा सवाल ये भी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं पत्र के द्वारा सीजीआई को भेजी गई और रिट पिटीशन भी फाइल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये देखेगा कि क्या हाईकोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हो रही है या हाईकोर्ट में जो ग्रीवांसेस रखे गए थे, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो मांग रखी गई है उनमें से क्या चीजें वो कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे मामलों की बात करें तो जब भी हाईकोर्ट में कोई मामला पेंडिंग होता है, जैसे कि ये कोलकाता का मामला है, तो हाईकोर्ट ही जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं और लेटर जो है वो सीजीआई को लिखे गए थे, जिसके आधार पर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में ले लिया है और सीजीआई की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। तो कोई दिशा निर्देश जरूर जारी कर सकती है, क्योंकि आए दिन ऐसा होता रहता है कि डॉक्टरों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब उनके परिजन जाके हॉस्पिटल में हंगामा और हल्ला करते हैं, मारपीट करते हैं। इसकी वजह से कई बार प्रोटेस्ट भी हो चुका है और जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इनके लिए कुछ नियम और गाइडलाइंस बनाई जाए। तो अब इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो क्या क्या चीजें उसके सामने रखी जाएंगी, क्योंकि जो लेटर पिटीशन दी गई और रिट पिटीशन दी गई है उसकी प्रेयर और ग्राउंड्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या इसमें कोई दिशा निर्देश जारी किया जाए या नहीं। जी जी विवेक, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हमारे इनपुट हेड। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? एससी ने कोलकाता रेप मामले को लेकर संज्ञान लिया है, मंगलवार को सुनवाई होनी है। डॉक्टरों में बहुत आक्रोश था और उसी के साथ मैं आपसे पूछना ये भी चाहूंगी कि डॉक्टरों में आक्रोश जो था वो कम हुआ इस मामले को लेकर अब या फिर नहीं, एससी के संज्ञान लेने के बाद? जी प्रीति, जहां तक न्यायिक पक्ष के बारे में विवेक चंदेल जी सारी चीजें बता ही चुके हैं। हाँ, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया है तो ये निश्चित रूप से जो आंदोलनकारी छात्र संगठन है उनको थोड़ा सा भरोसा होगा, शायद अब वो आंदोलन कुछ कम कर दें, हल्का कर दें या खत्म कर दें। एक बात यह भी है कि एक आम फैशन इस बारे में चल गया है कि जो पीड़िता है उसमें फोटो जो है सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, उसका नाम उछाला जा रहा है,
जबकि पहले से गाइडलाइन निर्धारित किया हुआ है कि ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। और इसको लेकर के सबसे पहले यूट्यूबर है उसने किया था, उसकी देखा देखी सारे लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ये भी लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी दुखी होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है और एक सेफ जोन बनाने की मांग की गई। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस पर भी सेफ जोन बना दे, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया है तो अब ये उम्मीद है कि सोमवार को नहीं तो मंगलवार को अभी जो आंदोलन चल रहा है ये कुछ कम पड़ जाएगा और इस मामले में जो कार्रवाई है एक्शन है वो थोड़ा आगे तेजी से हो सकता है। जी, विस्तार से जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका और संवाददाता विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें, कोलकाता रेप कांड को लेकर अभी पूरे दिल्ली में पूरे कोलकाता में आक्रोश, पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब इस मामले पर एससी ने कोलकाता रेप कांड मामले का संज्ञान लिया है, मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। खैर, इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।